हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएस। साथियों, इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत के सेवेंथ एडिशन की सीरीज में आपका स्वागत। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए इसका चैप्टर 8, जिसका नाम फंडामेंटल राइट्स है, उसका पार्ट 7 प्रेजेंट करने जा रहे हूँ। तो आइए शुरू करते हैं और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो हमने अपने लास्ट वाले पार्ट में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज तक आपको पढ़ाया था। अब इसके अंदर स्पेसिफिकली हम गौर से रिट्स को समझते हैं, ठीक है। रिट्स कितने तरह की होती हैं, उनका क्या स्कोप होता है, उसको हम डिटेल से जानेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल नंबर 32 के तहत, और यहाँ सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल नंबर 32 और हाई कोर्ट के अंदर आर्टिकल नंबर 226, ठीक है ना। तो ये दोनों आर्टिकल जो है ध्यान रखिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल नंबर 226 के तहत इशू कर सकता है रिट्स को। कौन कौन से रिट्स को कर सकता है? हेबीस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी और क्यो वारंटो, ये इतने तरह के रिट्स को कर सकता है। फर्दर जो हमारा पार्लियामेंट है वो इस आर्टिकल नंबर 32 के तहत किसी और कोर्ट को भी, मतलब इस हाई कोर्ट के अलावा, ठीक है, किसी और कोर्ट को भी पावर दे सकता है कि आप भी रिट्स को इशू कर सकते हो। तो इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा, हालांकि मैंने आपको ये बात पिछले वाले पार्ट में समझाई है। अच्छा, सिंस ऐसी कोई प्रोविजन जो अभी तक बनी नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ही अभी तक पावर है कि वो रिट्स इशू कर सकते हैं और कोई और कोर्ट नहीं कर सकता। अब क्या हुआ कि 1950 के पहले की बात है कि सिर्फ हाई कोर्ट्स जो कैलकटा, बॉम्बे और मद्रास के हुआ करते थे, सिर्फ उन्हीं के पास पावर थी इन रिट्स को इशू करने की और आर्टिकल नंबर 226। लेकिन अब हर एक हाई कोर्ट को पावर दे देता है कि आप जो है इशू कर सकते हैं रिट्स को। तो आप कहेंगे, रिट्स वाला ये जो प्रावधान, ये कहाँ से लिया गया होगा? हाँ, जैसे हमने तो मैम सुना है कि भाई अलग अलग देशों से के संविधानों से हमने अच्छी अच्छी बातों को निकाला है। तो हमने इसको लिया था इंग्लिश लॉ से, जहाँ पे इसको बोला जाता है प्रीरोगेटिव रिट्स, और इसलिए वहाँ पे सो इसे कहते हैं इंग्लैंड के अंदर, एज दे वर इशूड इन एक्सरसाइज ऑफ प्रेरोगेटिव ऑफ किंग हु वॉज एंड इज स्टिल डिस्क्राइब्ड एज फाउंडेशन ऑफ जस्टिस। तो वहाँ पे भाई राजा को ही सब कुछ मानते हैं, यही न्यायाधीश हैं, यही सब कुछ हैं, तो उनके ही चलते इशू होती हैं, इसलिए इनको वहाँ पे प्रेरोगेटिव रिट्स कहते हैं। और हमने ये इंग्लिश के लॉ से लिया, ठीक है ना। बाद में खैर हाई कोर्ट ने भी इशू करना शुरू कर दिया इन सारे रिट्स को, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडी के तौर पे, जिससे राइट्स और लिबर्टीज अपलोड रहते ब्रिटिश के लोगों के लिए। अब जो रिट्स का ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के पास, देखिए अब यहाँ पे समझिएगा, मैंने बताया कि आर्टिकल नंबर 32 के तहत ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है और 226 के तहत हाई कोर्ट के पास पावर है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के पास यहाँ पे पावर है वो हाई कोर्ट से डिफरेंट है तीन चीज़ों में। अब वो तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं, तीन रिस्पेक्ट में। पहली चीज़ तो ये कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट्स को इशू कर सकता है ओनली फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कैसे? सुप्रीम कोर्ट रिट्स को इशू कर सकते हैं को सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट को लेके, बल्कि हाई कोर्ट जो है वो रिट्स को ना सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए इशू कर सकते हैं, बट इसके अलावा दूसरे पर्पस के लिए भी इशू कर सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर हो गई इस बारे में। तो जो मैंने बताया, एनी अदर पर्पस के लिए भी हाई कोर्ट इशू कर सकता है, इसका मतलब कि कोई अगर ऑर्डिनरी लीगल राइट भी है तो उसके लिए भी रिट्स को हाई कोर्ट इशू कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो रिट्स का ज्यूरिसडिक्शन आप ये चेक कर पा रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो है वो कम है हाई कोर्ट के कंपैरिजन में। पहला पॉइंट तो आप ये समझे। दूसरा क्या डिफरेंस है समझते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट रिट्स को इशू कर सकता है अगेंस्ट अ पर्सन या फिर गवर्नमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है ना, पूरे मतलब भारत की टेरिटरी के अंदर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट रिट्स को इशू कर सकता है, चाहे वो पर्सन के अगेंस्ट हो और चाहे वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो।
लेकिन जो ये पार हाई कोर्ट के पास है, वो हाई कोर्ट सिर्फ और सिर्फ रिट्स को वहीं इशू कर सकता है अगेंस्ट दी पर्सन, और वो पर्सन या अगेंस्ट दी गवर्नमेंट या अथॉरिटी जो कि हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन टेरिटरी में आती हैं, ठीक है, ओनली एंड और आउटसाइड इट्स टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ओनली इफ द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज विद इन इट्स टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। अब इसको बात को थोड़ा सा गौर से समझिएगा, मतलब जिनको नहीं समझ में आई ना तो उनको मैं बताऊं। यहाँ कहने का मतलब यह है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 के तहत क्या कर सकता है कि सपोज करिए इंडिया है, इंडिया की टेरिटरी है, तो इसके किसी भी भाग में किसी भी पर्सन या गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिट्स को इशू कर सकता है। लेकिन जो हाई कोर्ट के पास पावर है 226 के तहत, वो हाई कोर्ट सिर्फ और सिर्फ जितने में उसका जो उसकी ज्यूरिसडिक्शन की टेरिटरी है सिर्फ उतने में ही रिट्स को इशू कर सकता है, ऑल ओवर इंडिया में नहीं कर सकता। और मान लो अपनी इस टेरिटोरियल जितनी भी उसकी टेरिटरी है ज्यूरिसडिक्शन की उसके बाहर कहीं रिट्स इशू कर भी रहा है तो वजह यह होनी चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम अराइज हुई है वो उसकी टेरिटरी में ही अराइज हुई है, इसी वजह से वो बाहर कर रहा है। समझ आई बात? तो हाई कोर्ट के पास ये चीज़ है, इसलिए यहाँ पे आप देखोगे क्या कि जो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का इस रिट्स को इशू करने को लेके वो हाई कोर्ट से ज्यादा है। ये बात समझ में आ गई आपको? तीसरी बात समझा जाए, चलो अभी एक दो हो गया। थर्ड रिस्पेक्ट ये है कि जो आपको आर्टिकल नंबर 32 के तहत रेमेडी मिलती है ये खुद में एक फंडामेंटल राइट है। ये बात तो हमने आपको लास्ट वाला जो अभी पढ़ाया था उसमें आपको बता दिया था, अभी मैंने आपको लास्ट वाला जो पार्ट पढ़ाया है। एंड इसलिए सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता एक्सरसाइज करने के लिए इसके रिट ज्यूरिसडिक्शन को। मतलब ऐसे समझो कि जो ये तो समझ गए ना, मतलब आर्टिकल नंबर 32 के तहत आप यहाँ पे अपने इन हकों के लिए जा सकते हो ना, ये खुद में भी एक फंडामेंटल राइट्स है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज़ नहीं कर सकता टू एक्सरसाइज इट्स रिट ज्यूरिसडिक्शन। लेकिन अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट के पास जो रेमेडी मिलती है आर्टिकल 226 के तहत ये डिस्क्रिशनरी है, अपनी मर्जी पे चल सकता है। हाई कोर्ट रिफ्यूज़ कर सकता है कि हम रिट ज्यूरिसडिक्शन नहीं एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है ना। मतलब आर्टिकल 32 सिर्फ डज नॉट सिर्फ कन्फर करता है पावर को सुप्रीम कोर्ट पे, ठीक है, डज नॉट मेरली कन्फर पावर ऑन द सुप्रीम कोर्ट एज आर्टिकल 226 डज ऑन हाई कोर्ट टू इशू रिट्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स या अदर राइट्स एज अ पार्ट ऑफ जनरल ज्यूरिसडिक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट इसलिए इसे बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे डिफेंडर और गारंटर है हमारे फंडामेंटल राइट्स का। तो अब हम इतनी बात समझ गए हैं, अलग अलग तरीके से चीज़ों को समझ गए हैं, हाँ समझ गए। अब हम यहाँ पे ईजिली समझ पाएंगे कि किस तरह की रिट्स को मेंशन किया गया है इन आर्टिकल नंबर 32 और 226 के अंदर हमारे संविधान के। अब एक एक करके गौर से समझिएगा। सबसे पहले आती है हेबीस कॉर्पस। ये जो हेबीस कॉर्पस ये जो है ना, ये नाम लेटिन टर्म है, ठीक है, लेटिन भाषा में है, जिसका मतलब होता है टू हैव बॉडी ऑफ। अब ये क्या मतलब हो गया टू हैव बॉडी ऑफ? देखो समझो, ये एक ऑर्डर इशू करा जाता है कोर्ट के द्वारा ऐसे व्यक्ति को जिसे किसी और व्यक्ति ने अपने पास डिटेन करके रखा हो, ठीक है। अब तो और अब मानो जैसे कि इसको ऐसे समझो, ये एक व्यक्ति है, ठीक है, ये दूसरा व्यक्ति है, इस पर्सन ने इस व्यक्ति को अपने पास रखा हुआ है डिटेन करके, ठीक है, अपने पास रखा हुआ है, ऐसे समझिए। तो अब यहाँ पे क्या करेगा कोर्ट, कोर्ट एक ऑर्डर इशू करेगा और ऑर्डर इशू करके ये कहेगा कि भैया सीधी बात मेरी समझो, इस इंसान को जिसके आपने रखा हुआ है अपने पास उसको मेरे सामने लेकर आओ, ठीक है, टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ द अदर पर्सन लेटर पर्सन, ये वाले इंसान को जिसको आपने डिटेन करके रखा है इसको मेरे सामने प्रेजेंट करो, ठीक है ना। और उसके बाद कोर्ट समझेगा, जानेगा कि क्या वजह थी, क्या ये डिटेंशन जो इसने करा है इसका क्या ये लीगल है कि इलीगल है, ठीक है, ये कोर्ट बताएगा, समझ गए। तो अब ये जो डिटेन पर्सन है इससे फ्री हो जाता है। अगर मान लो ऐसा पता चलता है कि इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को इलीगली अपने पास डिटेन करके रखा है तो भैया इसको फिर छोड़ा जाएगा,
और इसको फ्री करा जाएगा। इसलिए ये जो रिट है हेबियस कॉर्पस की, ये समझिए बचाती है इंडिविजुअल की लिबर्टी को अगेंस्ट आर्बिट्ररी डिटेंशन की, ज़बरदस्ती कोई अपनी मर्जी से किसी दूसरे व्यक्ति को अपने पास डिटेन करके नहीं रख सकता। इतनी बात समझ में आ गई आपको? चलिए अब यहाँ पे हम हेबियस कॉर्पस को कब कहेंगे, कब इशू करा जाता है हेबियस कॉर्पस? तो देखिए ये पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट भी इशू की जा सकती है। कोई पब्लिक अथॉरिटी अगर किसी को डिटेन कर रही है उसके अगेंस्ट भी करी जा सकती है, एज वेल एज अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है तो उसके अगेंस्ट भी करी जा सकती है। किसी भी प्रकार से आप किसी का ये हक नहीं छीन सकते हो। अब रिट्स दूसरी तरफ इशू नहीं करी जा सकती, कहाँ कहाँ पे नहीं इशू करी जा सकती है? जैसे मान लो डिटेंशन एक लॉफुल तरीके से हुआ हो तो रिट्स आप इशू नहीं करवा सकते। दूसरी बात कि मान लो जो प्रोसीडिंग है ये कंटेम्प्ट है लेजिस्लेचर ऑफ या कोर्ट का, तो आप समझो इस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तीसरी बात ये कि जो डिटेंशन है वो किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने किया है तो आप रिट इशू नहीं कर सकते हो। और चौथी बात, डिटेंशन मान लो कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के बाहर आता है, ठीक है, मतलब डिटेंशन जो किया गया है वो कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर दायरे में नहीं आता है तो भी ये रिट्स इशू नहीं की जा सकती। तो इन तरीकों से नहीं की जा सकती। बाकी मैटर में कैसे की जा सकती है और हेबियस कॉर्पस क्या होती है, मैंने आपको अच्छे से बताने का पूरा प्रयास किया। आप लाइक करते चलिएगा अगर आपको अच्छा लगता जाता है मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट बात आती है अब हमारे पास मैंडमस, ठीक है, मैंडमस। अब इसके मतलब भी मैं समझाती जाऊंगी, कोशिश करेंगे कि आपको समझाते। इसका मतलब होता है वी कमांड। क्या होता है? वी कमांड। हाँ, तो ऐसे मेरे मन की बात सुनो, मैंडमस, मेरा मन कह रहा है तुम समझो हम कमांड कह रहे हैं जो, है ना, इसको थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करो, वी कमांड। अब ये क्या है, ये कमांड कौन इशू कर रहा है? ये कमांड इशू कर रहा है कोल्ट। कोल्ट किसे इशू कर रहा है? कोल्ट इशू कर रहा है पब्लिक ऑफिशियल को, ठीक है। पब्लिक ऑफिशियल को क्यों कमांड दे रहा है कोल्ट? कह रहा है, पूछ रहा है पब्लिक ऑफिशियल से कि भैया तुमने जो ऑफिशियल ड्यूटीज को निभाया था और दैट हैज़ फेल्ड और रिफ्यूज टू परफॉर्म। फिर समझिएगा, इट इज़ अ कमांड इशूड बाय कोल्ट टू पब्लिक ऑफिशियल आस्किंग हिम और हर टू परफॉर्म हिज और हर ऑफिशियल ड्यूटीज दैट ही और शी हैज़ फेल्ड और रिफ्यूज टू परफॉर्म। अब इसको ऐसे समझो, ये एक लड़की या लड़का जो भी है ये एक पब्लिक ऑफिशियल है। कौन है ये? ये है पब्लिक ऑफिशियल, ठीक है। इसकी कोई ड्यूटी रही होगी, ड्यूटी रही होगी जिसे इसने या तो ये परफॉर्म नहीं कर पाया या कर पाई, और या इसने मना कर दिया कि हम जो है ये ड्यूटी नहीं परफॉर्म करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट यहाँ पे इसको क्या देगा? इसको देगा कमांड, ठीक है, कमांड दे रहा है ना। समझ गए कि अब जो तुम नहीं कर पाई हो, फेल कर गई हो, रिफ्यूज कर गई हो ड्यूटी को, उसे तुम परफॉर्म करो या करोगी या करोगे, ठीक है। अब देखिए ये वाली रिट्स कब इशू होगी? ये इशू होगी किसी पब्लिक बॉडी के अगेंस्ट। किसके किसके अगेंस्ट हो सकती है? पब्लिक बॉडी के अगेंस्ट हो सकती है, इसके अलावा कॉरपोरेशन के अगेंस्ट हो सकती है, या फिर कोई इन्फीरियर कोर्ट, मतलब ये कोर्ट मान लो हाई कोर्ट है तो उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, नीचे वाले कोर्ट के लिए हो सकती है, किसी ट्रिब्यूनल के लिए भी हो सकती है, या गवर्नमेंट के लिए भी हो सकती है सेम पर्पस के लिए। समझे, इतनी बात समझे कि किसके किसके लिए हो सकती है। अब जो मैंडमस की रिट है वो आप इशू कहाँ कहाँ नहीं कर सकते, ठीक है, अब वो मैं बता दूं कि कहाँ कहाँ नहीं कर सकते। तो देखो आप इशू नहीं कर सकते उसको किसी प्राइवेट इंडिविजुअल या बॉडी के अगेंस्ट, ठीक। दूसरी बात कि आप किसी डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन को इन्फोर्स कराने के लिए नहीं कर सकते जिसमें कोई भी स्टैट्यूटरी फोर्स नहीं है, है ना, कोई एक्ट के माध्यम से नहीं आया, कुछ नहीं हुआ है तो इसमें कोई स्टैट्यूटरी फोर्स रिप्रेजेंस नहीं करता, तो ऐसे किसी डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन को आगे जो है इन्फोर्स कराने के लिए नहीं कर सकते, इस रिट्स को इशू। तीसरा कि जब ड्यूटी डिस्क्रिशनरी है और मैंडेटरी नहीं है, मतलब आपको जबरदस्त वो काम एकदम ज़रूरी नहीं करना है, अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हो, तो ऐसी अगर ड्यूटी है तो आप उसको ज़बरदस्ती नहीं इशू कर सकते। चौथी बात ये कि टू इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, कि अगर मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा है उस चीज़ को लागू करवाना है तो उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, ना ही आप इसको इशू कर सकते हो किसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नर के अगेंस्ट, और लास्ट में आप इशू इसको नहीं कर सकते अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्टिंग इन जुडिशियल कैपेसिटी। तो आप इस चीज को याद रखिए कि ये मैंडमस को आप कहां कहां नहीं कर सकते।
समझ में आई बात, मैंडमस क्या है, कैसे इशू हुई, कैसे क्या हुआ। तीसरी बात करते हैं प्रोहिबिशन की, ये क्या है। प्रोहिबिशन का लिटरली मतलब होता है टू फॉरबिड। क्या मतलब होता है? टू फॉरबिड। अब इसका मतलब क्या है, इसे कौन इशू करता है? इसे इशू करते हैं हायर कोर्ट। कौन? हायर कोर्ट इसको इशू करते हैं, ठीक है। और ये किसको करते हैं? ये करते हैं लोअर कोर्ट को, ठीक है। हायर कोर्ट करता है लोअर कोर्ट को, या आप कह लो किसी ट्रिब्यूनल को, कि किस लिए? टू प्रिवेंट द लैटर फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिसडिक्शन और अशर्पिंग अ ज्यूरिसडिक्शन दैट इट डज नॉट पोजेस। सीधी बात है, जैसे मान लो कि ये आपके पापा हैं, ठीक है, आप उनके बच्चे हो या आपका बच्चा है, ठीक। तो ये पिताजी आपको यहाँ पे एक बात कहेंगे कि बेटा, ये बेटा तुमने जो डिसीजन लिया है तुम नहीं लोगे, क्योंकि ये डिसीजन मैं लूँगा, ये तुम्हारे मतलब का नहीं है, ठीक। या आपके पिताजी ने आपके बेटे को, मतलब अपने यहाँ पे पोते को कहा कि ये क्या कर रहे हो, ना 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 ना, ये तुमने ऐसे कैसे करा है, ना 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 ना, ये तुम्हारे, मेरे डिसीजन मैं लूँगा। समझ रहे हो आप इस बात को, मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही समझो कि ये है कोई हायर कोर्ट, उसके नीचे आ गया लोअर कोर्ट, या आप कह लीजिए कोई ट्रिब्यूनल है, और हायर कोर्ट जो है वो कहेगा नीचे वाले कोर्ट को कि बेटा ये ज्यूरिसडिक्शन तुम्हारे अंदर नहीं है, ये पदस्थ तुम नहीं करते हो, तो बेटा तुम इसके बारे में कोई बात नहीं करोगे, तुम कोई यहाँ पे अपना डिसीजन नहीं दोगे, ठीक है। तो अब हमने मैंडमस में क्या कहा था, मैंडमस में हमने ये समझा था ना कि यहाँ पे कोर्ट कमांड कर रहा है ऑफिशियल को या बॉडी को किसी, कि भैया तुम ये काम करो जो तुम नहीं कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे आप क्या कह रहे हो, प्रोहिबिशन मतलब रोक लगा रहा है ना, कि डायरेक्ट इनएक्टिविटी कर रहा है ना, कि प्रोहिबिशन डायरेक्ट क्या कर रहा है, इनएक्टिविटी, क्या है, मत ये काम मत करो, ये तुम्हारे अंडर नहीं आता है। तो जो प्रोहिबिशन की जो ये रिट है, ये इशू तभी होगी जो कोई बात, अगर अब आप इतना समझ रहे हैं कोल्ड के टर्म आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि प्रोहिबिशन की रिट जो है वो इशू होती है अगेंस्ट दी जुडिशियल या फिर कौसी जुडिशियल अथॉरिटी के अगेंस्ट, ठीक है। ये अवेलेबल नहीं होती किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, लेजिस्लेटिव बॉडी, प्राइवेट इंडिविजुअल या बॉडीज के अगेंस्ट, ठीक है। इसको आप इसी से याद रखिएगा कि हाई कोर्ट और कोर्ट्स की बात हो रही है, तो मतलब जुडिशियल और कॉसी जुडिशियल बात हो रही है। ये तीनों चीज़ें आप समझे बढ़िया तरीके से। आइए चौथी बात समझते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं सर्टियोरे। अब इसका सेंस क्या होता है ना, मतलब इसका मतलब हो गया टू बी सर्टिफाइड। क्या चीज? सर्टिफाइड, या फिर सर्टिफाइड, या फिर टू बी इन्फॉर्म्ड। क्या चीज? इन्फॉर्म्ड। इतनी बात समझ में। इसे कौन इशू करता है? इसे इशू करते हैं हायर कोर्ट करते हैं, किसको करते हैं? लोअर कोर्ट को या फिर ट्रिब्यूनल को करते हैं। किस लिए? टू कॉश द ऑर्डर पास बाय द लैटर। ये जो ऑर्डर पास करा गया है, टू कॉश द ऑर्डर पास बाय द लैटर इन अ केस, ये इशू कब करा जाता है? इशू करा जाता है इस बिहाफ पे कि मान लो कोई एक्सेस ज्यूरिसडिक्शन दे दिया गया है ना, कुछ ज़्यादा ही कुछ हो गया, या कुछ ज्यूरिसडिक्शन में कमी देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे जैसे ये प्रोहिबिशन वाली रिट है ना, सेम इसी तरीके जो रिट है सर्टियोरे की, ये भी एक ज्यूरिसडिक्शनल ही रिट है। हालांकि इनको इशू अलग अलग स्टेजेस पे करते हैं प्रोसीडिंग्स के, बिफोर द लोअर कोर्ट और प्रोसीडिंग या ट्रिब्यूनल के। तो प्रोहिबिशन को इशू करा जाता है कब? बिफोर द फाइनल ऑर्डर इज पास। प्रोहिबिशन कब इशू करा जाता है? जब फाइनल ऑर्डर पास होने से पहले, ताकि भैया आगे प्रोसीडिंग और ना बढ़े। लेकिन जो सर्टियोरे है, इसको इशू करा जाता है जब फाइनल ऑर्डर पास हो जाता है ना, फॉर कॉशिंग द सेम। अब इसको रोको, यहाँ पे मामला ये हो जाता है। तो प्रोहिबिशन की तरह ही जो सर्टियोरी है, इनको इशू करा जाता है जुडिशियल और कॉशी जुडिशियल, यहाँ पे भी कोर्ट्स का नाम आ रहा है ना, तो ये भी जुडिशियल और कॉशी जुडिशियल अथॉरिटी के लिए करते हैं। और सेम तरह से सर्टियोरी भी जो है वो अवेलेबल नहीं होती किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, लेजिस्लेटिव बॉडी, प्राइवेट इंडिविजुअल या बॉडी के लिए, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई आपको क्या हम कहना चाहते हैं? बस ऑर्डर्स कब कब करे जा रहे हैं, बिफोर आफ्टर, और क्या क्या वजह है, ये मैंने आपको बता दी। लास्ट में आती है बात क्यो वरेंटो, ठीक है। अब देखिए
लिटरल सेंस में क्या हुआ, क्यों वारंटो, इसको ऐसे समझो, क्यों वारंट निकाला है, क्यों बोला, क्यों वारंट कैसे निकाल दिया, ठीक है, तो इसको ऐसे समझो क्यों वारंटो, तो बाय वॉट अथॉरिटी और वारंट। अब ये क्या चीज़ है भाई, समझो। देखिए, इशू करा जाता है इसको भी कोल्ट के द्वारा। कोल्ट को इशू करता है क्यों, ताकि ये इंक्वायर कर सके लीगैलिटी ऑफ क्लेम में ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस। समझे क्या, कोल्ट इस रिट को इशू कर रहा है किस लिए, एक इंक्वायरी करने के लिए। इंक्वायरी क्यों करी जा रही है कि भैया जो क्लेम करा गया है पर्सन के द्वारा किसी पब्लिक ऑफिस के लेके, क्या वो लीगल क्लेम है या नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये कोई तरीके का, मतलब अगर कोई रुकावट या कोई दिक्कत लाई जा रही है तो कोई इलीगल यही अर्सरप्शन नहीं करा जा सकता पब्लिक ऑफिस के द्वारा बाय अ पर्सन। तो रिट्स को इशू कब करा जाएगा, कब करा जाएगा, इस रिट्स को इशू करा जाएगा ओनली इन केस ऑफ सब्सटैंटिव पब्लिक ऑफिस ऑफ अ परमानेंट कैरेक्टर, जिसे एक लॉ या स्टैट्यूट के माध्यम से बनाया गया है या संविधान के माध्यम से बनाया गया है। इसको आप मिनिस्ट्रियल ऑफिस या प्राइवेट ऑफिस के केस में इशू नहीं कर सकते हो। इसलिए इस रिट को आप देखते हो बाय एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन, ना कि इसको कोई एक अग्रीव पर्सन के बेसिस पे नहीं देख सकते हो। तो ये बात आती है क्यों वारंटो की। आई होप आपको ये पांचों रिट्स समझ में आई होंगी। कोई समस्या हो मुझे आप कमेंट करिएगा ज़रूर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है जो कहता है आर्म फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट्स का। अब देखिए आर्टिकल 32 तक आपको मैंने बताया, आर्टिकल नंबर 33 की तरफ, 33 की तरफ पढ़ते हैं। आर्टिकल 33 ये पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, रोक लगा सकते हो या ख़त्म कर सकते हो फंडामेंटल राइट्स को ऑफ द मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस या पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड एनालॉग्स फोर्सेस के लिए। अब ऐसा क्यों, उद्देश्य क्या है कि भाई वो लोग क्या इंसान नहीं है क्या, उनके उनके फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट या एब्रोगेट कैसे कर सकता है पार्लियामेंट। तो इस बात का भी कोई वजह होगी। जी हाँ, वजह है। ऑब्जेक्टिव इस बात के प्रोविजन का ये है कि देखिए वो अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से डिस्चार्ज कर पाएँ और डिसिप्लिन आपस में प्रॉपर मेंटेन कर पाएँ। और ये पावर दी गई है ताकि लॉज जो भी बनाए जाएं इस आर्टिकल नंबर 33 के तहत, ये सिर्फ और सिर्फ कन्फर करे जाएंगे ऑन पार्लियामेंट और ना कि स्टेट लेजिस्लेचर। सिर्फ पार्लियामेंट के पास ये सारे हक हैं, है ना, क्योंकि ये एक नेशनल लेवल की ड्यूटी हो गई ना। और ऐसा कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट बनाएगी उसे आप किसी भी कोर्ट के अंदर इस बिहाफ पे चैलेंज नहीं कर सकते कि ये भैया लॉ जो बना है वो लॉ हमारे इस फंडामेंटल राइट्स के साथ कॉन्ट्रावेंट कर रहा है या जो है कन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये सब रिलेटेड है इन सारी फोर्सेस से। अच्छा, तो इसी बात के चलते पार्लियामेंट ने भी लेकर आ गया, कौन सा, आर्मी एक्ट लाया था पहले 1950 में, फिर नेवी एक्ट भी आया था 1950 में, इसके अलावा एयर फोर्स एक्ट आया था 1950 में, पुलिस फोर्स रिस्ट्रिक्शंस ऑफ राइट एक्ट आया था 1966 में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट वगैरह आए थे, कई सारे एक्ट आए। तो ये सारे रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, इसके अलावा राइट टू फॉर्म एसोसिएशन पे, राइट टू फॉर्म मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड पॉलिटिकल एसोसिएशन पे, राइट टू कम्युनिकेट विद द प्रेस, राइट टू अटेंड पब्लिक मीटिंग्स या डिमोन्स्ट्रेशन वगैरह पे रोक लगाते हैं ये सारे एक्ट्स। अब देखिए जो ये बात मैंने कही ना कि मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस, ठीक है ना, ये बात जो मैंने कही ना, ये जो एक्सप्रेशन है मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस, इसके अंदर ऐसे एम्प्लॉयज भी आते हैं जो आर्म फोर्सेस के अंदर हैं, सिर्फ और सिर्फ सोल्जर्स वगैरह नहीं, बल्कि जो बार्बर हैं, कारपेंटर हैं, मैकेनिक, कुक, चौकीदार, बूट मेकर, टेलर, जो कि लड़ाई भी नहीं लग रहे हैं, लड़ रहे हैं, नॉन कम्बाटमेंट ड्यूटी में, कम्बाटेंट ड्यूटी में हैं, वो भी इसके अंदर कवर होते हैं, इस बात याद रखिएगा, क्योंकि वो भी मेंबर हैं आर्म फोर्सेस के, ठीक है। अब देखिए कोई भी पार्लियामेंट के द्वारा जो भी लॉ लाया जाए इस आर्टिकल नंबर 33 के तहत, प्यारे साथियों, इसे आप कोर्ट मार्शल से एक्सक्लूड करोगे। कोर्ट मार्शल होता है ना, वो उसके अंदर लॉ नहीं आएगा जो बनाया जाएगा इस आर्टिकल 33 के तहत। मतलब कोर्ट मार्शल मतलब कि जो ट्रिब्यूनल्स इस्टेब्लिश करी जाती है ना मिलिट्री लॉ के तहत, तो उससे ये एक्सक्लूड करता है फ्रॉम
रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये मैंने आपको बता दिया, सो फार एज इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज कंसर्न. ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट से लेके अगर कोई बात रिलेटेड है तो इसमें से कोई चीज़ जो है नहीं आएगी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के रिट जुरिस्डिक्शन में. ये बात समझ में आई? तो अब हमने जो भी एक बढ़िया बात आपको बोली उसके बारे में समझाते हैं कि मार्शल लॉ और फंडामेंटल राइट्स में क्या चीज़ें हैं, थोड़ा ये समझिए. साथियों, हमारा आर्टिकल नंबर 34 रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करता है, रोक लगाता है किस पे? फंडामेंटल राइट्स पे, वाइल मार्शल लॉ इज इन्फोर्स. ये कहता है आर्टिकल 34 कि अगर मार्शल लॉ है किसी भी एरिया में विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया तो बेटा फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाएंगे. अब इस समझिए, इसमें पावर मिली है पार्लियामेंट को कि आप क्या करो, आप इंडेमनीफाई करो किसी भी सरकारी कर्मचारी को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो व्यक्ति ने ऐसा कोई काम किया है जो रिलेटेड है विद द मेंटेनेंस और रिस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर इन एनी एरिया जहां पे मार्शल लॉ फोर्स में था. तो पार्लियामेंट क्या कर सकता है, पार्लियामेंट यहाँ पर वैलिडेट कर सकता है किसी भी सेंटेंस को जो पास करा गया हो, पनिशमेंट जो इन्फ्लिक्ट करी गई हो, फॉरफीचर ऑर्डर लिया गया हो या कोई भी काम किया गया हो जो मार्शल लॉ के अंदर आता है इस एरिया के अंदर, तो उसको वैलिडेट करार कर सकता है पार्लियामेंट. और जो एक्ट है इंडेमनिटी का, ठीक है, इंडेमनिटी का जो किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, आप इसको किसी भी कोर्ट के अंदर इस बिहाफ पे नहीं चैलेंज कर सकते कि ये भैया ये मेरे जो है वो किसी भी फंडामेंटल राइट्स के साथ में जो है वो कंट्रावेन कर रहा है. आई होप आपको समझ में आता जा रहा होगा. अच्छा, इंडेमनिटी क्या होती है? बहुत सारे बच्चे ये ना कहने लग जाएं कि मैम आपने तो वही चीज़ बोल दी जो लिखी हुई थी. इंडेमनिटी का मतलब होता है एक तरीके से कह लो इसको हानि से सुरक्षा, है ना, आपको नुकसान ना हो इससे, मतलब प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेज और लॉस, समझ रहे हो? स्पेशली जैसे मान लो कुछ कहा है, अब मान लो आपको नुकसान होगा तो किसी भी चीज़ को लेके, तो इसलिए प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेज और लॉस. तो इस बात को समझिएगा कि जो एक्ट है इस इंडेमनिटी का जो पार्लियामेंट ने किया है, आप इसको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते इस बात पे कि भैया हमारा फंडामेंटल राइट का हनन यहाँ पे देखने को मिलता है. तो जो कॉन्सेप्ट है हमारा ये मार्शल लॉ का, इसे हमने कहाँ से लिया? ये बोरो करा गया इंडिया के अंदर कहाँ से? इंग्लिश की कॉमन लॉ से. हालांकि जो मार्शल लॉ आप देखते हो ना, जो नाम है मार्शल लॉ, ठीक है ना, इसे कहीं पे संविधान के अंदर डेफिनेशन इसकी नहीं दी गई है. इसका मतलब मिलिट्री रूल होता है, ऐसे समझिए. मतलब ऐसी सिचुएशन, मानो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो करा जा रहा है मिलिट्री अथॉरिटी के द्वारा, ऐसे समझो, है ना, इनके रूल्स और उनके रेगुलेशन के हिसाब से जो कि बनाए गए हैं आउटसाइड द ऑर्डिनरी लॉ. तो इसलिए क्या होता है, इट डज इम्प्लाइज द सस्पेंशन ऑफ ऑर्डिनरी लॉ. मतलब इसमें क्या हो रहा है, ये ऑर्डिनरी लॉ के बाहर जो उनके मिलिट्री रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चला रहे हैं, तो इसलिए ऑर्डिनरी लॉ खत्म हो जाता है ऐसे टाइम पे. और सरकार जो होती है एंड द गवर्नमेंट बाय मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स, ये यहाँ पे जो है वो सस्पेंशन होता है. और ये डिफरेंट है मिलिट्री लॉ से, दैट इज एप्लीकेबल टू द आर्म फोर्सेज. अब ये जो मार्शल लॉ समझ रहे हो ना, ये मिलिट्री जो मार्शल लॉ है ये उस मिलिट्री लॉ से अलग है जो आर्म्ड फोर्सेस में यूज़ करा जा रहा है, वो अलग है, है ना. तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक या कोई ऐसा एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है संविधान के अंदर जो ऑथराइज करे एग्जीक्यूटिव को कि आप भैया जो है ऐसे ऐसे टाइम पे मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दीजिएगा, ये सब नहीं पता है, है ना. बल्कि ये आप आर्टिकल 34 में देखोगे कि भैया मार्शल लॉ आप डिक्लेयर कर सकते हो किसी ऐसे एरिया में जो कि इंडिया की टेरिटरी के अंदर आता हो, कोई भी एरिया, और मार्शल लॉ को लागू करा जाएगा अंडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सरकमस्टेंसेस. जैसे मान लो कि वॉर हो गई या इन्वेजन हो गया, इंसरेक्शन हो गया, रिवेलियन हो गया, राइट हो गए, कोई भी वायलेंट रेजिस्टेंट हो गए लॉ को लेके, तो इसका जो ज्यूरिस्डिक्शन है ये तो है जस्ट टू रिपील फोर्स बाय फोर्स फॉर मेंटेनिंग और रिस्टोरिंग ऑर्डर्स इन द सोसाइटी. ठीक है, फोर्स को फोर्स से यहाँ पे जो है वो लड़के हटाना है ताकि समाज के अंदर वापस से पीस स्थापित की जा सके. तो मार्शल लॉ जब चल रहा हो उस टाइम पे मिलिट्री की जो अथॉरिटीज़ हैं उनको बहुत सारी पावर्स दे दी जाती हैं कि आप ज़रूरी कदम जो आपको लगते हैं उठाइए, ये रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, रेगुलेशन लगा सकते हैं सिविलियन के राइट्स पे, ये पनिश कर सकते हैं सिविलियंस को, इवन कंडेम कर सकते हैं उन्हें डेथ के लिए भी. तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिक्लेरेशन किया था मार्शल लॉ को लेके, है ना,
जो है डज नॉट इप्सो फैक्टो रिजल्ट इन द सस्पेंशन ऑफ द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। और जो डिक्लेरेशन था मार्शल लॉ का अंडर आर्टिकल नंबर 34, ये डिफरेंट था फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल नंबर 352 के तहत आती है। हालांकि इसका चैप्टर हम पूरा पढ़ेंगे, आपको बताएंगे कौन कौन से फंडामेंटल राइट जो है वो उस समय आपके ख़त्म कर दिए जाते हैं नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर। तो अब दोनों को मैं डिफरेंसेस आपको थोड़ा सा बताऊँ तो ईजी रहेगा और जानना कि मार्शल लॉ, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मार्शल लॉ और मैम नेशनल इमरजेंसी हम लोग सुनते रहते हैं, तो मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी में थोड़े डिफरेंस समझिए कि जो मार्शल लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को ही अफेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन नेशनल इमरजेंसी में ना सिर्फ फंडामेंटल राइट्स बट सेंटर और स्टेट के रिलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू का, लेजिस्लेटिव पावर सेंटर स्टेट के बीच में, ये सब भी इफेक्ट होती है। और हो भी सकता है कि जो पार्लियामेंट का टेन्योर है वो भी इफेक्ट करे, काफ़ी कुछ हो सकता है नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर। दूसरी बात कि मार्शल लॉ में ये सरकार के और ऑर्डनरी लॉ कोर्ट को सस्पेंड कर देता है, लेकिन यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी में सरकार और ऑर्डनरी लॉ कोर्ट्स कंटिन्यू करते रहते हैं। तीसरी बात कि मार्शल लॉ में ये इसलिए लगा हुआ होता है ताकि जो लॉ का ब्रेकडाउन हुआ है या ऑर्डर का हुआ है, ठीक है, उसे वापस रिस्टोर करें, या वजह कुछ भी हो अगर ब्रेकडाउन हुआ है तो रिस्टोर करने के लिए होता है। लेकिन नेशनल इमरजेंसी में सिर्फ तीन ग्राउंड्स पे लगाई जाती है, मान लो कोई वॉर हो गई हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया हो, या आर्म रिबेलियन हुआ हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे चौथी बात ये कि मार्शल लॉ को इम्पोज करा जाता है कुछ स्पेसिफिक एरिया में देश के, लेकिन नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो इसे या तो पूरे देश में लगाया जाता है या तो देश के किसी एक हिस्से में लगाया जा सकता है, ठीक है। और लास्ट बात ये करेंगे कि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है संविधान के अंदर इसको लेके, मार्शल लॉ को लेके, मतलब ये इम्प्लिसिट है। लेकिन अगर हम बात करेंगे नेशनल इमरजेंसी के अंदर तो स्पेसिफिक है ना, डिटेल तरीके से बताया है संविधान के अंदर, तो ये क्या है, ये एक्सप्लिसिट है। तो ये हमने आपको सारी की सारी कहानी के बारे में बताया। तो एक काम करते हैं, आधे घंटे का ये चैप्टर हो गया है, बहुत लंबा करने का तो कोई सेंस है नहीं, है ना, तो इतना ही रखते हैं इसको। नेक्स्ट वाले में हम शुरू करेंगे अफेक्टिंग सर्टेन फंडामेंटल राइट्स से, इजी तरीके से समझेंगे तो आपको भी बहुत बोरी नहीं लगेगा। हाँ, तो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके पर्क्स एंजॉय कर सकते हैं। व्हाट्सएप से लेके फेसबुक वगैरह हर तरह के चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हर जगह फॉलो कर लीजिए, फ़ायदा ही रहेगा। ये वीडियोस आपको फेसबुक में मिल जाएंगी, वहाँ पर भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।